सो ये चीज़ जो है ये से आग से इसको सुखाया जा रहा है। देखिए यहाँ पे माँ का आई जो है वो बनाया जा रहा है, मशीन से कलर किया जा रहा है क्योंकि टाइम बहुत कम है और मूर्ति बहुत बहुत ज़्यादा है। This is gonna be the 37th year we are worshipping and Durga Puja amar barite hoy, that is 113 years. So eta South Calcutta amader nijosho private barir pujo. न्यू ब्लॉग ऑफ कलकत्ता टू कोलकाता। अभी हम लोग आए हैं कुमारटुली। सो अभी कुमारटुली का और कुछ ही दिन बाद और दो चार दिन बाद ही काली पूजा है। तो काली पूजा से पहले कुमारटुली में क्या सिचुएशन है, काली पूजा जो काली का जो आइडल है वो कितना तक बना है, तो चलिए दिखाते हैं आपको कहां तक क्या हुआ, संग में रहिए। सो यहां पे देख सकते हैं ये हाथ से बनाया जाता है और देखिए हाथ से छांट से जो मोल्ड है मोल्ड से ऐसे निकाल के ये बनाया जा रहा है। सो ये जो है ये है माला। यहाँ पे जो मूर्ति है ये एकदम बन चुका है। अभी इसमें जो है कपड़ा और साज जो होता है वो लगाया जाएगा। और यहाँ पे जो है यहाँ पे शिव जी को कलर किया जा रहा है। देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पे दिखाऊँ, यहाँ पे जो है ये थर्मोकोल के ऊपर काम किया जा रहा है। सो ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं ये वाला हर साल रोड के ऊपर ही बनाया जाता है और ये वाला जो है वन ऑफ द बिगेस्ट मूर्ति है जो कुमारटुली में बनाया जाता है और हर साल बनाया जाता है यहीं पे। और एक चीज़ मैं इस मूर्ति के बारे में बताऊँ, ये हर साल क्या होता है ना ट्रॉली में बनाया जाता है। इसका रीज़न है कि यहीं से जो इतना बड़ा मूर्ति है इसको ट्रांसफ़र करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए इसको सीधा ट्रॉली में ही बनाया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मूर्ति कलर किया हुआ है। दिखाई देगा कि हर मूर्ति के हाथ में एक एक पर्ची झूल रहा है और इस पर्ची में उस क्लब का नाम लिखा हुआ है जिस क्लब ने इसको बुकिंग किया है। काली को जो है यहाँ पे पेंट किया जा रहा है। देखिए कितना खूबसूरत से पेंट किया जा रहा है और ये पूरा जो है ये हाथ का है, कोई मशीन नहीं है ये बस। और एक चीज़ मैं पहले बता दूँ, ये जो कुमारटुली है और कुमारटुली ये दुनिया भर में जाना जाता है इस मूर्ति मेकिंग के लिए। और फॉरेन में आप जितना भी पूजा देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, जापान, जो भी कंट्री आप देखेंगे सबका पूजा का जो मूर्ति है वो यहीं से जाता है। यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे माँ का जो केश है मतलब जो हेयर है वो यहाँ पे फिट किया जा रहा है। देखिए चारों तरफ और ये चारों तरफ जो है मूर्ति ही बन रहा है। आपको अगर मैं घुमा कर पैन करके दिखाऊं ये चारों तरफ एक के बाद एक चारों तरफ जो है मूर्ति है, लेफ्ट राइट अप डाउन एवरीवेयर मूर्ति ही मिलेगा।
ये सब जो देख रहे हैं, ये सब शॉप में क्या मिलता है कि माँ के साज के लिए जो हम लोग जो जिसको कहते हैं साज, वही साज यहाँ पे सब बना के सेल होता है। और यही साज यहीं से खरीद के ये लोग यहाँ पे माँ के ऊपर लगाता है। और मैं थोड़ा देर बाद आपको दिखाऊंगा कि ये साज बनता कैसे है, उसका भी जगह में हम लेके जाएंगे। सो चलिए दिखाते हैं। ये सारे जो देख रहे हैं, ये सारे हैं जो है पंडाल के ऊपर आप लोग जो देखते हैं लगा हुआ। सो ये यहीं पे ये सब बना के सेल किया जाता है। सो आप देख सकते हैं कि कितना मूर्ति है। हाँ, इस जगह को आप बोल सकते हैं इट्स अ फैक्ट्री ऑफ आइडल मेकिंग। यहाँ पे कोई भी पूजा में आ जाइए, आपको इसी जगह ऐसे ही नज़ारा मिलेगा। सिर्फ तब ये आइडल चेंज होगा, कभी दुर्गा, कभी काली, कभी सरस्वती, कभी लक्ष्मी, तो कभी जगधरती, तो कभी कार्तिक, कभी गणेश जी। तो चारों तरफ ऐसे ही आपको मूर्ति, भरा भरा मूर्ति मिलेगा, क्योंकि यहाँ का मूर्ति जो है ये पूरा दुनिया में जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कोलकाता में जाता है, ये पूरा दुनिया में यहीं से मूर्ति सप्लाई होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे माँ के फेस के ऊपर काम हो रहा है और यहाँ पे आई बनाया जा रहा है। सारे कुमाटली घुमा के दिखाना है, इसलिए हम लोग इसको स्किप कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो आई बनता है वो दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ का जैसा माँ का आई जो बनाया जाता है वो कहीं पे नहीं बनाया जाता है। सो देख सकते हैं आप। आप देख सकते हैं। सो ये मूर्ति जो है कंप्लीट है। सो इस मूर्ति के बारे में अगर मैं बात करूं, तो इस मूर्ति में एक देखने वाली बात यही है कि इस मूर्ति के माँ के पैर में एक बिच्छू है। और ये जो बिच्छू आप देख रहे हैं, ये कुमारटुली के मूर्ति में नहीं होता है, ठीक है। ये सिर्फ नोईहाटी के मूर्ति में ही होता है ये बिच्छू। तो अभी तक मेरा देखा हुआ ये फर्स्ट मूर्ति है जहाँ पे इस माँ काली के पैर में ये बिच्छू बनाया जाता है। सो आपको बता दूँ कि ये मेरा फर्स्ट मूर्ति देखा हुआ है जो कुमारटुली में इतना सारा मूर्ति में बन रहा है, जिसके माँ काली के पैर में ये बिच्छू बना हुआ है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे मशीन से कलर किया जा रहा है, क्योंकि टाइम बहुत कम है और मूर्ति बहुत बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए ये लोग कलर जो है स्प्रे रंग से कर रहा है। और एक बात, स्प्रे रंग से जब कलर होता है तो उसका फिनिशिंग भी बहुत अच्छा आता है। सो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे माँ का आई जो है वो बनाया जा रहा है। और देखिए, ये बहुत 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 खूबसूरत मूर्ति है जिसका भी आई बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं माँ को पूरा कलर किया जा रहा है। अभी फिलहाल जो है वो आई बनाया जा रहा है, और ये जो है ये ब्लैक कलर का बनाया जा रहा है, और ये जो है ये मशीन से नहीं, ये हाथ से पेंट हो रहा है। देखिए, क्योंकि सर में जो है इसमें नाक बना हुआ है।
सो ये जो चीज़ देख रहे हैं यही है जो है हाथ से बनाया जा रहा है। मैंने पहले ही बताया था कि हम दिखाएंगे, सो यही है हाथ से यहाँ पे बनाया जाता है। ये ईच एंड एवरीथिंग माँ के ऊपर जो भी साज लगाया जाता है ये सब यहाँ पे हाथ से बनाया जाता है। जो आप देख रहे हैं शॉप में सेल हो रहा है वो यही सब है। ये देखिए ये साड़े हाथ से बनाया जा रहा है। तो ये चीज़ जो है ये से आग से इसको सुखाया जा रहा है। देखिए तो ये एक देख रहे हैं ये है मोहन बाशी रुद्रोपाल और इनका ये स्टूडियो है। और ये स्टूडियो में आप देखिए क्या ज़बरदस्त मूर्ति बनाई गई। हालांकि इसमें मूर्ति में कुछ मूर्ति में कलर किया गया कुछ मूर्ति में नहीं। ऐसे नॉर्मली जो लोग हम लोग नॉर्मली मूर्ति देखते हैं उसमें कपड़ा नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ मूर्ति में जो ऑर्डर से बनाया हुआ था उसमें कपड़ा रहता है। तो देखिए ये कपड़ा लगा के मूर्ति है।
হ্যাঁ, এটা আমার বাড়ির ঠাকুর অ্যান্ড এই বছর দিস ইজ গোনা বি দ্য 37th ইয়ার উই আর ওয়ার্শিপিং অ্যান্ড দুর্গাপুজো আমার বাড়িতে হয়, দ্যাট ইজ 113 ইয়ার্স। তো এটা সাউথ ক্যালকাটা আমাদের নিজস্ব প্রাইভেট বাড়ির পুজো, আর তাড়াতাড়ি যাচ্ছে বিকজ অফকোর্স আমাদের কিছু নিয়মকানুন আছে, একটা বিধিনিষেধ আছে, বাড়ির মাঙ্গলিক কিছু প্রোটোকলস আছে, কাস্টমারি আছে, সেই জিনিসটাকে মাথায় রেখে আমরা মাকে তাড়াতাড়ি নিয়ে যাই, অ্যাটলিস্ট লাইক ভূ চতুর্দশী 3-4 দিন আগে থেকে। হ্যাঁ, আমাদের কুমোর যে আছে চায়না পাল, তার বাবা প্রশান্ত পাল, হেমন্ত পাল সরি, সো ও ওয়ার্শিপ করতো, ও আমাদের ঠাকুর বানাতো বংশ পরম্পরায়, উনি দুর্গা কালী দুজনই দুটোই বানায় আর প্রত্যেক বছর এখান থেকে যায়। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, কুণ্ডুবাড়ি দুর্গাপুজো আর বলি ফেমাস, কুণ্ডুবাড়ি দুর্গাপুজো কালী পুজো, মানে কলকাতায় 15টা বনেদি বাড়ি আছে, তার মধ্যে সাউথ কলকাতার মধ্যে কুণ্ডুবাড়ির পুজো আমাদের দুটো তরফ, একটা গিরিশ পার্ক যেটা হচ্ছে কুণ্ডুবাড়ি বড় তরফ, আর একটা সাউথ কলকাতা কুণ্ডুবাড়ি ছোট তরফ, সেইটা আমাদের ছোট তরফের পুজো। শহীদ ক্ষুদিরাম মেট্রো স্টেশন থেকে যদি আমাদের বড় তরফের বাড়ির পুজো, সেটা হচ্ছে গিরিশ পার্ক মেট্রোর কাছে ওখানে, আর আমাদের ছোট তরফ যেটা আছে সেটা তো শহীদ ক্ষুদিরাম মেট্রো আছে যেটা গড়িয়া, ওখানে থেকে নেমে জাস্ট 5 মিনিটস ওয়াকিং ডিস্টেন্স, যে কাউকে বললেই দেখিয়ে দেবে। থ্যাংক ইউ দাদা, থ্যাংক ইউ সো মাচ, ইউ মোস্ট।